स्वयमेव मृगेंद्रता। मुझे अपने धर्म पर गर्व है, जिसने विश्व को उदारता और सबको गले लगाने का पाठ पढ़ाया है। हम सबके प्रति उदारता में न केवल विश्वास करते हैं, बल्कि सभी धर्मों को सत्य मानते हैं। भारत लौटने पर स्वामी विवेकानंद ने देशवासियों को पुकार कर कहा, आगामी 50 साल तक केवल भारत माता की पूजा करो, तुम्हारा राष्ट्र तुम्हारा एकमात्र देवता है। यह संदेश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के जीवन कार्य का आधार बन गया। जब अंग्रेज सरकार ने वंदे मातरम नारा लगाने की मनाही कर दी, केशव ने अपने सहपाठियों के साथ स्कूल इंस्पेक्टर का वंदे मातरम के नारों से स्वागत कर अपनी संगठन कुशलता और अटूट देशभक्ति का परिचय दिया। कलकत्ता के नेशनल कॉलेज ऑफ मेडिसिन में पढ़ते समय दामोदर नदी में भयानक बाढ़ आने पर उन्होंने रामकृष्ण आश्रम के माध्यम से बाढ़ पीड़ितों की सेवा की। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार 1915 में जब अपनी पढ़ाई पूरी कर नागपुर लौटे, मध्य भारत में केवल 75 निजी डॉक्टर थे, लेकिन उन्होंने सुखमय जीवन का आकर्षण ठुकरा कर आजीवन भारत माता की सेवा करने का व्रत लिया। वो पूना जाकर लोकमान्य तिलक से मिले। 1921 में गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और जेल गए। एक साल बाद जेल से बाहर आने पर केशव ने गहराई से विचार किया और अनुभव किया कि हमारे जाति, बिरादरी, धर्म आदि में बटे होने के कारण ही विदेशी हमलावर हम पर हावी हो सके। इनसे स्वतंत्र होकर सदा के लिए हमें राष्ट्र भावना के संस्कार अपनाकर संगठित होना होगा। विवाह के लिए आग्रह होने पर उन्होंने चाचा जी को पत्र लिख दिया, विवाह न करने का फैसला मैंने काफी सोच समझ कर लिया है, मैं तो तन मन धन से राष्ट्र की सेवा करना चाहता हूँ। वो स्वयं क्रांतिकारक थे, इसलिए तो डॉक्टरी पढ़ने के लिए वो मुंबई न जाते हुए कलकत्ता गए थे। लोक जागृति में लोगों का नेतृत्व करने वाला और चरित्र संपन्न, देशभक्ति से प्रेरित ऐसा एक कोई समूह जब तक तैयार नहीं होता, तब तक स्वतंत्रता का आंदोलन सफल नहीं होगा। स्वदेश आकर स्वामी विवेकानंद ने मनुष्य निर्माण को ही अपने शेष जीवन का लक्ष्य बना लिया था। डॉक्टर हेडगेवार ने राष्ट्र को वैभव के शिखर पर ले जाने के परम उद्देश्य से मनुष्य निर्माण के लिए शाखा तंत्र विकसित किया। शिवाजी का नाम किस किसने सुना आपने यहाँ से? हम विजय की ओर बढ़ते जा रहे हैं, हम विजय की ओर बढ़ते जा रहे हैं। राष्ट्र निर्माण हेतु व्यक्ति निर्माण, उसको हम मानव निर्माण कहते हैं। और इस प्रकार विशेष करके आज के वातावरण में, जब पुरानी शिक्षा पद्धति जो अंग्रेजों ने लागू की, जिसके कारण भारत में अराष्ट्रीयकरण हुआ, स्वार्थी जन उनका उदय हुआ, उस स्थान पर एक वैकल्पिक राष्ट्रीय राष्ट्रनिष्ठ एक शैक्षिक व्यवस्था चाहिए। उस व्यवस्था का नाम है संघ में बौद्धिक विभाग। इसके द्वारा राष्ट्र निर्माण के लिए योग्य व्यक्ति हम बना सकते हैं, उसको हम कहते हैं व्यक्ति निर्माण। शाखा के अंत में मातृभूमि को नमन और मातृभूमि के लिए जीवन उत्सर्ग करने का संकल्प लेने के बाद, परमेश्वर के जिस काम को करने के लिए हमने कमर कसी है, उसे पूरा करने के लिए अजेय शक्ति, विशुद्ध शील, ज्ञान, वीर व्रत और अक्षय ध्येय निष्ठा, ये 5 गुण हम भगवान से मांगते हैं और फिर उनके आशीर्वाद से हमारी विजयशालिनी संगठित कार्यशक्ति
अपने इस राष्ट्र को परम वैभव की स्थिति में ले जाने में अतीव समर्थ हो, ऐसी कामना करते हैं। महाराष्ट्र के बाहर संघ की पहली शाखा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भैया जी दाणी द्वारा शुरू की गई। 24 वर्षीय प्राध्यापक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर ने 1930 से इस शाखा में आना शुरू किया। बनारस से नागपुर लौटने के बाद 1936 में बिना किसी को बताए माधव सारगाछी आश्रम चले गए और वहां उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य और स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई स्वामी अखंडानंद की अनन्य निस्वार्थ सेवा कर उनसे दीक्षा ली। 1937 में माधव राव इस अनुभूति के साथ नागपुर लौटे कि जो कार्य स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में स्थापित किए गए रामकृष्ण मिशन द्वारा आध्यात्मिक क्षेत्र में हो रहा था, उसे ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा लौकिक जीवन में उतारने का प्रयत्न किया जा रहा था। वर्धा की एक महिला लक्ष्मीबाई केलकर एक एकत्रीकरण के बाद डॉक्टर जी से मिली। आप युवा बच्चों को जो शिक्षा देते हैं वही लड़कियों और महिलाओं को क्यों नहीं देते? डॉक्टर जी ने कहा, अभी हमने ये काम पुरुषों तक सीमित रखा है। आप ये काम महिलाओं में करने को तैयार हो तो आपा जी जोशी आपकी मदद करेंगे। और फिर 25 अक्टूबर 1936 विजयादशमी के दिन राष्ट्र सेविका समिति की स्थापना हुई। राष्ट्र सेविका समिति अपना शाखाओं में शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक का प्रशिक्षण के माध्यम से उनमें आत्मविश्वास और देशभक्ति जागृत करते हैं। शारीरिक शिक्षण में दंड योगासन इसके माध्यम से उनका स्वसंरक्षण क्षमता बढ़ाता है और बौद्धिक प्रशिक्षण के माध्यम से अच्छे गुणों का निर्माण तथा देशभक्ति का निर्माण होता है। डॉक्टर जी ने कहा था, ये देश धर्मशाला तो नहीं है कि कोई भी आए और बिस्तर बिछाकर आसन जमा ले। जिनका इतिहास, परंपरा, धर्म, संस्कृति, विचारधारा तथा हित संबंध एक होते हैं वे ही राष्ट्र कहलाते हैं। डॉक्टर जी द्वारा 1936 में दिल्ली भेजे गए 25 साल के वसंत राव ओक हिंदू महासभा भवन में रुके। पड़ोस में आसपास के युवक इकट्ठा होकर खेला करते थे, वसंत उनमें शामिल हो गए। जल्दी ही वहां संघ की शाखा लगने लगी। अगले साल कई दूसरे स्वयंसेवक आगे की पढ़ाई के लिए लाहौर, कराची, मद्रास, कलकत्ता, ग्वालियर, बिहार, आंध्र प्रदेश आदि में पहुंचे। राष्ट्र कार्य के लिए सुखमय जीवन का मोह त्याग कर नई नई जगहों पर पहुंचने वाले ये अच्छे पढ़े लिखे स्वयंसेवक प्रचारक कहलाए, जिनका काम था नई शाखाएं खोलना, पहले से चलती शाखाओं को मजबूत करना, नए लोगों को शाखा पर लाना और उनमें राष्ट्रभक्ति की भावना भरना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी सरसंघ चालक उच्च शिक्षा प्राप्त रहे हैं। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार चिकित्सक थे, माधव राव सदाशिवराव गोलवलकर प्राणी शास्त्र में MSc, मधुकर दत्तात्रेय उर्फ बाला साहेब देवरस BA LLB, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भौतिकी विभाग के अध्यक्ष हुआ करते थे, कुपहल्ली सीतारमैया सुदर्शन दूरसंचार में BE ऑनर्स थे और वर्तमान सरसंघ चालक मोहन राव भागवत पशु चिकित्सक हैं। 9 जून 1940 1500 स्वयं सेवकों के शिविर के विदाई समारोह में अपने जीवन के अंतिम भाषण में डॉक्टर हेडगेवार ने कहा, केवल संघ का कार्यक्रम ठीक ढंग से करने या प्रतिदिन नियमित रूप से संघ स्थान पर उपस्थित रहने से ही संघ का कार्य पूरा नहीं हो सकता। हमें तो आसेतु हिमालय पर्यंत फैले हुए इस विराट हिंदू समाज को संगठित करना है। 14 जनवरी 1947 मकर संक्रांति के दिन से भारत के बाहर केन्या में संघ की प्रेरणा से हिंदू संगठन का कार्य प्रारंभ हुआ। 1990 में लंदन में हिंदू स्वयंसेवक संघ की
पिंचले प्रताप शाखा के मकर संक्रांति उत्सव में यूनाइटेड किंगडम की तत्कालीन प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर पधारी। संघ ने विभाजन का कड़ा विरोध किया, परंतु स्वतंत्रता मिली खंडित मातृभूमि के साथ। सन 1947 का दिन याद आता है, जब हिंदुस्तान के दो टुकड़े हुए, एक पाकिस्तान एक हिंदुस्तान। सभी हिंदुओं को वहाँ से घर छोड़ना पड़ा क्योंकि दो इलाके अलग अलग बन गए थे। हम भी वहाँ डिस्ट्रिक्ट दैनपुर के रहने वाला हूँ मैं, वहाँ से घर छोड़ा और काफले के साथ बैल करके डिस्ट्रिक्ट लालपुर, जहाँ के कैंप लगा हुआ था रेफ्यूजीज कैंप, वहाँ पहुँचे। लेकिन वहाँ एक घटना जो घटी हमारे साथ, वो हमारी बड़ी बहन की है। हमारे जीजा जी को मुसलमानों ने मार दिया था, जिसके कारण अकेली हो गई। उसकी उम्र उस समय 18 के करीब थी और एक बच्चा था, और वो भी कुछ दिनों का। उन्होंने वॉलंटियर थे आरएसएस वाले, वही सेवा कर रहे थे, वही मदद कर रहे थे, वही रोटियां पहुंचा रहे थे, जैसे ही वातावरण देखते थे करते थे। राष्ट्र सेविका समिति की प्रमुख संचालिका लक्ष्मीबाई केलकर विमान से कराची पहुंची और वहां 14 और 15 अगस्त 1947 के बीच की रात में 1200 सेविकाओं की बैठक में उन्हें धीरज बंधाया और उनके भारत आने पर उनके अलग अलग परिवारों के साथ रहने और भोजन की पुख्ता व्यवस्था की। बंटवारे के बाद जम्मू कश्मीर के भारत विलय में अड़चन पैदा होने पर गृह मंत्री सरदार पटेल ने श्री गुरु जी को कश्मीर भेजा, जिन्होंने वहां जाकर महाराजा हरि सिंह को विलय के लिए राजी किया। गांधी जी 1 अप्रैल 1946 से 1 जून 1947 के बीच दिल्ली की हरिजन कॉलोनी में एक कुटिया में 214 दिन रहे। जिस मैदान में प्रतिदिन संघ की शाखा लगती थी, वहीं शाम को गांधी जी की प्रार्थना सभा होती थी। 16 सितंबर 1947 दिल्ली में दंगे हो रहे थे, कर्फ्यू लगा हुआ था, रात को मूसलाधार बारिश हुई थी। महात्मा जी ने सुबह सवेरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवकों से मिलने की इच्छा व्यक्त की। कर्फ्यू में ढील के समय आनन फानन में इकट्ठा हुए स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए गांधी जी ने कहा था, बरसों पहले मैं वर्धा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिविर में गया था। वहां मैं उन लोगों का कड़ा अनुशासन, सादगी और छुआछूत की पूर्ण समाप्ति देखकर अत्यंत प्रभावित हुआ था। संघ एक सुसंगठित अनुशासित संस्था है। 30 जनवरी 1948 महात्मा गांधी की हत्या हुई। संघ पर इस हत्या का आरोप लगाने की साजिश की गई और उस पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके विरुद्ध अनुशासन पूर्वक देशव्यापी सत्याग्रह में 70,000 स्वयंसेवकों ने भाग लिया। 12 जुलाई 1949 की शाम को आकाशवाणी ने संघ पर से प्रतिबंध हटाए जाने की घोषणा की। 21 अगस्त 1949 दिल्ली में श्री गुरुजी की जनसभा में 3,00,000 लोग थे। बीबीसी ने इसका समाचार देते हुए कहा, श्री गुरुजी भारतीय आकाश में उदित एक देदीप्यमान सितारा है। स्वामी विवेकानंद की जन्म शताब्दी के अवसर पर कन्याकुमारी की शिला पर उनका स्मारक खड़ा करने का निश्चय किया गया। श्री गुरुजी ने सरकार्यवाह एकनाथ रानडे को यह कार्य सौंपा। राष्ट्रपति वराह वेंकट गिरी ने 2 सितंबर 1970 को इसे राष्ट्र को समर्पित किया। 1962 से 1971 के बीच भारत को 3 युद्ध लड़ने पड़े, एक चीन के साथ, 2 पाकिस्तान के साथ। हमारी सेनाओं ने युद्ध के मोर्चों पर शत्रु के दांत खट्टे किए। संघ के स्वयंसेवकों ने आंतरिक मोर्चों पर प्रशंसनीय काम किया। संघ के 2000 से अधिक स्वयंसेवकों ने 1963 की गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया और ख्याति पाई।
1965 के भारत पाक युद्ध के समय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा बुलाई गई एक आपात बैठक में एक नेता द्वारा आपकी सेना ऐसे शब्द कहने पर श्री गुरुजी ने उन्हें स्पष्ट शब्दों में खड़काया, सेना किसी अन्य देश की नहीं है, भारत की है, अपनी सेना कहें। 1964 श्री गुरुजी के प्रयासों से बंबई के संदीपनी आश्रम की एक बैठक में विश्व हिंदू परिषद का गठन हुआ। उडुपी में विश्व हिंदू परिषद के सम्मेलन में जनरल करियप्पा की गौरवमय उपस्थिति में धर्माचार्यों ने एक मत से घोषणा की कि हमारे शास्त्रों के अनुसार छुआछूत अथवा किसी प्रकार की ऊंच नीच का कोई औचित्य नहीं है। सामाजिक समरसता का मतलब होता है समाज के अंदर जो जाति भेद अस्पृश्यता है इसके ऊपर उठकर सभी ने एक दूसरे के साथ बंधुभाव से समानता का व्यवहार करना। वैसे देखा जाए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काम में संघ के प्रारंभ से ही समरसता का भाव है। समरसता का काम जो है वो दो स्तर पर करना पड़ता है। एक तो सवर्ण बांधवों को यह समझाना पड़ता है कि ये सारे हमारे बंधु हैं, इनके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। और दलित पिछड़ी जातियों को भी ये कहना पड़ता है कि हम सब एक ही समाज के हैं, एक दूसरे के साथ हमको मिल मिलकर रहना है। 1975 देश में आपात स्थिति की घोषणा कर हजारों विरोधियों को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जेल में डाल दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तृतीय स्तर संघ चालक बाला साहेब देवरस गिरफ्तार कर लिए गए और 4 जुलाई को संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 4 दिसंबर 1976 के लंदन के प्रसिद्ध साप्ताहिक द इकोनॉमिस्ट में तानाशाही के विरुद्ध इस आंदोलन को दुनिया का अकेला गैर वाम क्रांतिकारी बल बताया गया। ये आंदोलन संघ के दसियों हजार कार्यकर्ताओं द्वारा चलाया जा रहा है। इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ सर्वोदय नेता जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में लोक संघर्ष समिति के नाम से अभूतपूर्व सत्याग्रह हुआ। संघ के स्वयं सेवकों के साथ साथ हजारों लोग जेल गए। 1977 इंदिरा गांधी की घोर पराजय, लोकतंत्र की बहाली के बाद संघ पर से प्रतिबंध हटा लिया गया। 89-90 में परम पूज्य डॉक्टर जी के जन्म शताब्दी संघ ने बनाया। पिछड़े हुए बंधुओं के संपर्क बढ़ाना, उनके जीवन में परिवर्तन लाना और समाज के मनोभाव में भी परिवर्तन लाना, और उस समय से संघ में सेवा भारती नाम से काम चल रहा है। देश में कहीं भी कभी भी कोई भी आपदा आने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक सबसे पहले पहुंचते रहे हैं और जाति धर्म संप्रदाय आदि किसी भी प्रकार का भेद किए बिना सबकी सेवा उनका मूल धर्म रहा है। पूजनीय रज्जू भैया जब सरसंघ चालक बने उस समय उन्होंने इस विषय को रखा कि हम क्यों ना हम एक आदर्श विकसित रूप छोटे गांव का हम सबके सामने प्रस्तुत करें। गांव के लोग ही सोचे, गांव के लोग अपने प्रश्नों को समझें, अध्ययन करें, वहाँ की उपलब्ध साधनों का गणित लगाए और अपने ग्राम के विकास की दिशा में पहल करें। ये एक मूलभूत संघ के और ग्राम विकास के चिंतन में ये बात रही। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर की कार सेवा के लिए लाखों श्रद्धालु एकत्र हुए, जिनमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने भी व्यक्तिगत तौर पर भाग लिया। प्रशासन की चौकसी के अभाव में भीड़ बेकाबू हो गई और रामलला के मंदिर के ऊपर का विवादास्पद ढांचा ध्वस्त हो गया। संघ में बैठकों का विशेष महत्व है। शाखा से लेकर अखिल भारतीय स्तर तक के सारे निर्णय इन बैठकों में ही आपसी विचार विमर्श और परस्पर सहमति से लिए जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पांचजन्य ऑर्गेनाइजर जैसे देश भर में जगह जगह ऐसे प्रकाशन शुरू हुए। कलम के जरिए इस देश को अपने समाज, अपने व्यक्ति, अपनी संस्कृति और अपने पुरखों की चिंता हो,
पत्रकारिता का आग्रह सिर्फ सत्य के प्रति हो, ये काम संघ के प्रकाशनों ने किया है। स्वामी विवेकानंद के विचारों से अनुप्राणित होकर उसको साकार करने का तरीका है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। स्वामी जी ने यही कहा है। तो सारा समाज एक ऐसा वातावरण बनाएगा जिस वातावरण में सब दुरितों का कलमश बह जाएगा और विश्व गुरु पद पर आसीन होने की योग्यता रखने वाला परम वैभव संपन्न समता युक्त शोषण मुक्त बल संपन्न भारत निर्माण होगा, अवश्यंभावी है, कोई रोक नहीं सकता इस ताकत को। और इसलिए अपने सामने कर्तव्य है, उस कर्तव्य का निर्देश हमको स्वामी विवेकानंद जी ने दिया है। उन्होंने कहा था उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो और जब तक लक्ष्य प्राप्ति होती नहीं तब तक रुको मत, यानी लक्ष्य प्राप्ति की का संकल्प मन में लेकर चलते रहो। We'll be right back.